YouTube चैनल विनस्टेक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो आपका फीसर का आउटडोर यूनिट है ये कितने टन का है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये 2 टन का आउटडोर यूनिट है, ये 2 टन का आउटडोर यूनिट है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये 2 टन का आउटडोर यूनिट है। इसकी वायरिंग कैसे होती है और इसको इंडोर का पावर कहाँ से आता है और कहाँ कहाँ जाता है ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये फीसर का आउटडोर यूनिट है। सबसे पहले मैं आपको आउटडोर यूनिट दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आउटडोर यूनिट है, ये पूरा जो है आउटडोर यूनिट है। अब इसके ऊपर का जो ये स्क्रू है ये हमको ओपन कर लेना है ताकि हम इसकी वायरिंग बॉक्स जो है ये ओपन कर सकें और देख सकें कि इसमें वायरिंग कैसे होती है। तो ये मैं सबसे पहले इसके सारे जो स्क्रू जो हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद से जो है हम इसकी वायरिंग देख लेंगे, वायरिंग जान लेंगे। यहाँ पे टर्मिनल, यहाँ पे टर्मिनल लग गए, यहाँ पे इसकी वायरिंग हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसका जो सारा जो स्क्रू है वो हम एक जगह पे रख लेते हैं ताकि गायब ना हो, और इसके बाद से हम इसका आउटडोर का जो ऊपर का ये कवर है इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये ओपन हो रहा है और इसको हम आसानी से ओपन कर लेंगे, उसके बाद से हम इसकी वायरिंग जो है जान लेंगे। तो इसको हम ऐसे ओपन कर लेते हैं, इसका कवर जो है हम साइड में रख देंगे और हम इसकी अब वायरिंग देख लेंगे। वायरिंग देखने के लिए यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, तो हम ये साइड कवर भी ओपन कर लेते हैं। ये साइड का जो कवर लगा हुआ है, ये जो साइड का कवर लगा हुआ है ताकि हम अच्छे से इसकी वायरिंग जान सकेंगे। तो हम इसका साइड का कवर जो है ये ओपन कर लेते हैं। तो इसमें जो भी स्क्रू लगा है उसको खोल लेना है। इसका सारा जो स्क्रू है हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब मैं इसको जो है इसके कवर को आसानी से निकाल दूंगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक हैंड बनाया हुआ है होल्ड करने के लिए। यहाँ पे जैसे हम पुश करेंगे या डाउन करेंगे ये निकल जाएगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि आउटडोर का जो कवर है वो निकल चुका है, देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने कवर रख दिया। अब यहाँ पे आपको ये पूरी वायरिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसकी वायरिंग कैसे होती है हम जान लेते हैं। ये कंप्रेसर है और ये फायर जैकेट है, फायर जैकेट है, इसको फायर जैकेट बोलते हैं ताकि कंप्रेसर हीट होने से ये बचाए। तो इसकी हम वायरिंग जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 नंबर आपको, ये टर्मिनल ब्लॉक बोलते हैं जो ब्लैक वाला आपको दिखाई दे रहा है ये टर्मिनल ब्लॉक है। ये कहाँ से वायर आता है इसमें ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है 1 नंबर जो है आपका फेस है, 2 नंबर जो है न्यूट्रल है और 3 नंबर जो है सीपी का वायर है, इसको हम कमांड भी बोलते हैं, जो कि आपका ये तीनों वायर जो है आपको इंडोर से आएंगे। इंडोर से आउटडोर का जो वायर रहता है ये तीनों वायर यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे फेस लग जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल और यहाँ पे सीपी। अगर आपको चेक करना है कि हमारा जो सीपी आया है कि नहीं, हमारा इंडोर कमांड दिया है कि नहीं आउटडोर को, तो आप सिंपली ऐसे चेक कर सकते हैं। ये 3 नंबर में एक क्लाइमीटर में लेना है, क्लाइमीटर को आपको वोल्टेज मोड पे डालना है, एक पॉइंट को आपको 3 नंबर में देना है, 1 को 2 नंबर में। इस अगर वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्टेज तो इसका मतलब आपका सीपी जो है कमांड जो है इंडोर से आ रहा है। तो इसको ऐसे चेक करते, इसकी वायरिंग हम जान लेते। तो फेज जो है आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सिंगल पोल का फेस है कॉन्टेक्टर, ये सिंगल पोल का कॉन्टेक्टर, ये फेस जो आपके कॉन्टेक्टर में लग गया है, और न्यूट्रल जो है आपका जो है यहाँ से न्यूट्रल जो है आपको कैपेसिटर में जा रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। एक काम करता हूँ मैं कैपेसिटर को भी ओपन कर लेता हूँ। कैपेसिटर पे एक स्क्रू रहता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसको कैपेसिटर अलग हो जाएगा तो आप आसानी से इसकी वायरिंग जो है जान सकते हैं। ये क्लैंप लगा रहता है इसके कैपेसिटर के ऊपर ताकि जो है
कैपेसिटर हिले डुले ना, और जिसके वजह से जो है आपका पावर जो है कहीं भी फ्लक्चुएट ना हो और जो है शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो, इसीलिए तो हम इसको निकाल लेते हैं। ये मैंने जो क्लैंप था इसका जो कैपेसिटर पे लगा हुआ था इसको मैंने निकाल लिया। अब इसकी वायरिंग जान लेते हैं। तो इसकी वायरिंग हम शुरू से जान लेते हैं। सबसे पहले हम फेस से शुरू करते हैं। फेस जो आपका एक नंबर पे जा रहा है ये फेस है, और फेस आपका जा रहा है कॉन्टेक्टर में। अब ये कॉन्टेक्टर से पावर जो आउट होके यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है। ये आउट होके आपको कंप्रेसर के पॉइंट पे जाएगा। कंप्रेसर के कौन से पॉइंट पे जाएगा ये भी आपको देख लेना है। इसमें जो है दो ऑप्शन रहते हैं, आपको कॉमन पॉइंट पे भी दे सकते हैं और जो है रनिंग पॉइंट पे दे सकते हैं। तो ये आपका कंप्रेसर के जो फेस है ये कॉमन पॉइंट पे जा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, क्योंकि कॉमन पे इसलिए जा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात ये इस पे जो है आप देख पा रहे होंगे ये कैपेसिटर पे पावर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कैपेसिटर से रनिंग जाता है और यहाँ से आपको कॉमन का पावर जाता है। जो फेस जो है आपका कॉन्टेक्टर में जा रहा है याद रखें, और कॉन्टेक्टर से आपका जो है कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पे जा रहा है। ये कैसे जा रहा है ये हम जान लेते हैं। तो इसके वास्ते हम न्यूट्रल की बात कर लेते हैं। न्यूट्रल जो है आपका जो है यहाँ पे कॉइल देखने को मिल जाएगा। ये कॉइल वोल्टेज है, जो कॉन्टेक्टर का कॉइल वोल्टेज है। जैसे इसको कॉइल वोल्टेज मिलता है उसके बाद से ये काम करना शुरू करता है। इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि और अच्छा से आपको जो है क्लियर हो जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा पूरा अच्छे समझ में आ जाए, तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा ताकि अगर एक बार अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह मैं आपको ये निकाल के दिखा दूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक स्विच है। जैसे ये इसमें पावर आता है 200 वोल्टेज का पावर आता है, तो 220 वोल्टेज का सॉरी 220 वोल्टेज का पावर आता है, तो ये पुश हो जाता है। जब पुश हो जाता है तो जो यहाँ से फेज जो इन हो रहा है ये आउट होने लगता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पत्ती लगी हुई है यहाँ पे, ये फेस यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से जाके ऐसे जाके ये फेस यहाँ से आउट होने लगता है और आपके कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पे चला जाता है। उसके बाद से न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल आपका यहाँ पे कैपेसिटर पे दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से जो ब्लू वाली लाइन जो जा रही है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ब्लू वाली लाइन जा रही है कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट पे जा रही है, और कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट से आपको जो जा रहा है कंप्रेसर का स्टार्टिंग का पावर जा रहा है। उसके बाद से हम जो है कॉन्टेक्टर के बारे में हम जान लेते हैं। तो कॉन्टेक्टर कहाँ से पुश होता है, कैसे पुश होता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का वायर जो है आपके यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्टेक्टर के कॉइल वोल्टेज पे दिया हुआ है। और आपका यहाँ पे तीन नंबर का वायर देखने को मिल जाएगा। तीन नंबर आपके कॉन्टेक्टर के कॉइल वोल्टेज के दूसरे साइड में दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ और यहाँ जब 220 वोल्टेज आता है तो आपका जो है कॉन्टेक्टर ये पुश हो जाता है। वो कैसे आता है, जब इनडोर से आपका कमांड आएगा, तीन नंबर का जो है पावर है ये फेस के रूप में कमांड आएगा। ये तो न्यूट्रल यहाँ से हमेशा मिल रहा है आप इसको, जैसे इसको फेस आएगा कमांड आएगा, सीपी का जो पावर बोलते हैं हम लोग, जो इंडोर से इसको फेस आएगा कमांड के तौर पे, तो यहाँ पे ये पुश हो जाएगा इस तरीके से। जब ये पुश होगा तो आपका यहाँ से फेस मिल रहा है तो ये कॉमन को पावर जाएगा। कॉमन को पावर जाते ही आपका कंप्रेसर है वो चलने लगेगा। और इसी तरीके से हम अब कंडेंसर की वायरिंग जान लेते हैं, कंडेंसर मोटर की वायरिंग जान लेते हैं। ये कंडेंसर मोटर है, आपको देखने को मिल जाएगा। इसका ये वायर आया हुआ है, इसका ये वायर आया हुआ है। इसमें तीन वायर है, रेड, ब्लैक और व्हाइट। व्हाइट जो है आपका यहाँ पे कैपेसिटर से पता करते हैं कि कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ब्लैक वाला आया है ये कैपेसिटर के अगर एक ही पॉइंट पे लगा हुआ है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये रनिंग है और ये स्टार्टिंग है। और इसका जो रेड वाला है ये कॉमन है। कॉमन को हमको क्या देना है, कॉमन को यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये तीन नंबर का वायर है। ये तीन नंबर का वायर जो है जा रहा है आपके ये कॉइल वोल्टेज पे जा रहा है कॉन्टेक्टर के, और यहीं से आपको जो है कंडेंसर मोटर का कॉमन दिया हुआ है। वो यहाँ से क्यों दिया हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए क्योंकि जब आपका इंडोर से तीन नंबर का पावर आएगा तो उसी साथ में आपका ये तीन नंबर से वायर को जो है कंडेंसर मोटर पे जाएगा। जब कंडेंसर मोटर को जाएगा तो आपका जो पावर है जैसे यहाँ पे आएगा तो कंडेंसर मोटर को जाते ही आपका कंडेंसर मोटर चालू हो जाएगा और कंप्रेसर भी साथ साथ चालू हो जाएगा। वो इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे इंडोर से पावर आए तो आपका कंडेंसर मोटर चालू हो जाए और कंप्रेसर भी चालू हो जाए। तो यहाँ से आपको कॉमन मिल रहा है, और यहाँ से आपको देख पा रहे होंगे ब्लैक वाली ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल का देख पा रहे होंगे यहाँ से दूसरे कॉन्टेक्टर के दूसरे कॉइल वोल्टेज से यहाँ से आपको न्यूट्रल दे रहा है कंडेंसर मोटर को, कंडेंसर मोटर को न्यूट्रल दे रहा है। न्यूट्रल दे के आप यहाँ पे देख पा रहे हैं न्यूट्रल को इसने रनिंग बनाया हुआ है
फेस और न्यूट्रल को रनिंग कोई भी बना सकते हैं। तो आपने इसको जो है रनिंग बनाया हुआ है, आप देख पा रहे हो ये ब्लैक वाला जो रनिंग है इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको रनिंग बनाया हुआ है, इसको स्टार्टिंग बनाया हुआ है और कॉमन इसको बनाया हुआ है रेड वाले को। और ये कॉमन रन स्टार्ट जो है मोटर के ऊपर देख सकते हैं, अगर मोटर के ऊपर एक स्टिकर लगा रहता है, यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, वो बहुत ज्यादा ही डर्टी है इसलिए आप देख नहीं पाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से जो है इसकी वायरिंग होती है। तो आप जान लीजिए सबसे पहले आपका फेस और न्यूट्रल जो है कहाँ जाता है। कभी भी आप काम करें आउटडोर के यूनिट पे, अगर यूनिट चेक भी कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको चेक करना होता है आपका इंडोर से जो है कमांड आ रहा है कि नहीं। वो चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर का सहायता लेना पड़ेगा, उसको वोल्टेज मोड पे डालना पड़ेगा और दो और तीन नंबर में देखना पड़ेगा। अगर दो और तीन नंबर में 220 वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका इंडोर से पावर आ रहा है, कहीं और मसला है। तो इसमें जो है उसके बाद से आपको देखना होता है कि ये पावर जो इन हो रहा है वो आउट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये पुश हुआ है। अगर ये पुश हुआ है तो पावर इन से आउट होना चाहिए, उसके बाद से कंप्रेसर चलना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।